नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के उद्घाटन स्थल का निरीक्षण करने सुल्तानगंज पहुंचे एसडीएम, अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, कहा उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हुई अपूर्णीय क्षति। भागलपुर समीक्षा भवन में लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से कार्यशाला का हुआ आयोजन, डीएम ने नलकूपों के संचालन को लेकर की चर्चा। और स्नान घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए बरारीपुर घाट पर किया गया फ्लोटिंग बैरिकेडिंग का परीक्षण। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के उद्घाटन की तैयारी को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ थाम में सदर एसडीओ धनंजय कुमार और डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार कई अधिकारियों के साथ सोमवार को सुल्तानगंज जहाज घाट पहुंचे, जहां उद्घाटन स्थल का निरीक्षण कर दोनों पदाधिकारियों ने सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू और कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार से तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि नमामि गंगे घाट स्थित उद्घाटन स्थल के चार दीवारी के पास कोई भी दुकान नहीं लगाई जाएगी, जबकि अजगैवीनाथ गंगा घाट का जायजा लेते हुए उन्होंने बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी को गंगा घाट पर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी दुकानदारों को गंगा के किनारे दुकान नहीं लगाने और अजगैवीनाथ मंदिर गंगा घाट रोड के दक्षिण क्षेत्र में दुकान लगाने का निर्देश एसडीओ द्वारा दिया गया। वहीं निरीक्षण के बाद सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला के उद्घाटन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है और बाहर से आने वाले को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दुकानदार को गंगा घाट के किनारे दुकान नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इधर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि कांवरिया पथ और गंगा घाट के समीप खतरनाक जगहों को चिन्हित कर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जा रही है, जबकि गंगा घाट के पास सभी दुकानदारों को भी जरूरी हिदायत दी गई है। मौके पर संबंधित विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। देखा है कि मतलब जो भी तट का काम है वो कार्य किया जा रहा है फ्लड डिवीज़न के द्वारा, साथ ही साथ जो भी तट के समीप जो बहुत सारे लोगों ने दुकान लगा दिया है, चौकी लगा दिया है, उसको हम लोगों ने हटा देने का निर्देश दिया है। वो एक सुरक्षित दूरी पे ही रखें, क्योंकि पानी भी बढ़ेगा और श्रद्धालुगण भी आएंगे तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग इसको एक सुरक्षित दूरी पे करवा रहे हैं। इस बार उद्घाटन के लिए मेला में कौन सा आएंगे इस बार, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। विभाग से जैसे ही हम लोग को सूचना मिल जाएगी आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ श्रावणी मेला जो है वो अभी यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है और एक महीना श्रावणी मेला में सब लोग रहेंगे यहाँ पर। तो आज प्रशासन यहाँ पे आई थी सब कुछ व्यवस्था देखने और विधि व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग ने जो भी डेंजर पॉइंट है आपके घाट में कुछ चिन्हित किया गया है और फ्लड कंट्रोल टीम यहाँ पर जो है विधिवत आ चुकी है, तो उनके आवासन के लिए और किस तरीके से जो शिफ्टिंग होगा बैरिकेडिंग का जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है, तो वो सब चीज़ के ऊपर अब छोटा सा मीटिंग हुआ है। फ्लड जो कंट्रोल टीम है वो भी यहाँ पर आ गई है और उसके साथ साथ जो घाट है उसके पास जिसमें भी अभी आप देख सकते हैं घाट के आसपास बहुत सारा चौकी अव्यवस्थित तरीके से और बहुत सारे दुकान जो अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं, तो इन लोगों को निर्देश दिया गया है, एसडीएम साहब द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि रोड के जो है वो मतलब साउथ में उस साइड अपना शिफ्ट कर जाएंगे और घाट के समीप जो है वो कोई भी चौकी और जो दुकान है जो अव्यवस्थित तरीके से लगाया गया है उसको वहां से हटा के वो पीछे की तरफ अपना कर लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत नरेंद्र सिंह को एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह 1974 के जेपी आंदोलन के प्रखर सेनानी और उनके पुराने साथी थे, जिनके सामाजिक कार्यों में भी गहरी अभिरुचि रही है। सीएम ने कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों के बीच वे काफी लोकप्रिय थे और उनके निधन से उन्हें व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह उनके साथ मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं और मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र सिंह के पुत्र विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह से भी दूरभाष पर बात कर उन्हें संतावना और अपनी शोक संवेदना व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने की बात कही, जबकि उनके परिजनों
को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने और संबल प्रदान करने के ईश्वर से प्रार्थना की। बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग के जिला लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से सोमवार को भागलपुर के समीक्षा भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने ग्राम पंचायतों के मुखिया सचिव और विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिया। वहीं बैठक में राजकीय नलकूपों के सफल संचालन को लेकर चर्चा करते हुए डीएम ने जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को कार्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश देकर समय पर कार्य पूरा करने की बात कही। जिलाधिकारी ने राजकीय नलकूपों के सुचारू संचालन और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब विभाग को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम ने सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों की भी जानकारी दी। इसके अलावा जिले के सभी प्रखंडों के मुखिया सचिव और विभाग के अभियंताओं ने कार्यशाला में जिलाधिकारी से कार्यों में लगातार होने वाली कई समस्याओं की जानकारी दी, जिस पर डीएम ने उन तमाम समस्याओं को अविलंब दूर करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया। भागलपुर में स्नान घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी लगातार पहल कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को बरारी पुल घाट पर नई तकनीक का प्रयोग किया गया। लोगों को नदी में डूबने से बचाने के लिए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने फ्लोटिंग बैरिकेडिंग का सफल परीक्षण किया। डॉक्टर अजय ने कहा कि गंगा में डूबने से बचाने के लिए किसी भी नदी में स्नान के लिए बैरिकेडिंग की जाती है ताकि स्नान के वक्त लोग ज्यादा पानी में नहीं जाए। उसके लिए पानी के अंदर बांस का खूंटा गाड़ा जाता है, उसके ऊपर बांस की रेलिंग लगाई जाती है ताकि लोग उससे आगे नहीं चले जाएं और डूबने से बचे। उन्होंने बताया कि फ्लोटिंग बैरिकेडिंग पारंपरिक बैरिकेडिंग की तुलना में कई विशेषताओं से भरा है। बताया गया कि दो समांतर बांस जिसके बीच 1.5 फीट की दूरी है को तार से आपस में जोड़ दिया गया है। उन बांसों के नीचे उसी तार के माध्यम से भारी पत्थर से जोड़ दिया गया है। साथ ही जानकारी दी कि उपकरण को छाती भर पानी में ले जाकर पत्थर को पानी के नीचे रख दिया जाता है और दो बांस जो आपस में जुड़े होते हैं, एक को पानी से 1.5 फीट नीचे और दूसरे को पानी के सतह पर एडजस्ट करके छोड़ दिया जाता है। भारी पत्थर से बंधा हुआ बांस कहीं नहीं बहेगा। डॉक्टर अजय ने कहा कि इस परीक्षण को आपदा प्रभारी ने भी सराहा है। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों ने नदी में डूबे व्यक्ति को बाहर निकालने पर CPR और प्रारंभिक उपचार की जानकारी दी ताकि समय रहते उसकी जान बचाई जा सके। मौके पर धर्मेंद्र कुमार, आशीष कुमार, राहुल कुमार, आदित्य कुमार, रूपेश कुमार, मनीष ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। नदी में डूबने से के लिए प्रशासन या स्थानीय प्रशासन बैरिकेटिंग करती है, बांस का घेरा लगाती है जिसमें खुट्टा खंभा गाड़ा जाता है। एक तब प्रोसेस है पानी के अंदर गाड़ के उसको रखना, और उस दौरान बांस बहुत ज़्यादा लगता है और नहाने के क्रम में दो बार लड़के लोग हिला दिए तो वो बह भी जाता है। तो इस तरह से और ख़ास करके उसमें तब परेशानी होती है जब पानी बढ़ने लगा या घटने लगा। जब बढ़ने लगा तो वो पानी में डूब जाता है और जब घटने लगा तो वो सूखे में आ जाता है, फिर आदमी उस पर उसके आगे नहा नहीं सकता है। इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं डॉक्टर अजय सिंह, और हम लोग दुर्घटना पर काम करते हैं। लगातार सोचने से ये हमने देखा कि इसका दूसरा तरीका हो सकता है, और हमने दो बांस को रेलिंग बनाकर उसको पत्थर से लटका दिया और उसको गंगा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डाल दिया। अब ये पत्थर के सहारे ये तैरते रहेगा, उसमें झंडी है, लाल झंडी है, और ये अपने जगह पर रहेगा। जब इसमें सिर्फ दो बांस लगे और जब चाहे इसको पानी बढ़ते या घटते में आगे या पीछे कर सकते हैं, जो बहुत आसान है। स्थानीय लोग जो गंगा किनारे रहते हैं वो भी इसको कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये सफलता है, और यदि इसको प्रशासन टेकअप करे या स्थानीय लोग इसको, जहाँ पर अभी अभी चार आदमी एक साथ सुल्तानगंज में डूब गया एक घर के एक गांव के, तो ऐसे स्थिति में स्थानीय लोग भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसको आगे पीछे करके लोगों का जान बचा सकते हैं। जान बचाने की कोई कीमत नहीं है, सरकार मुआवजा देती है 4 लाख। इस 4 लाख जो सरकार एक साल में मुआवजा देती है उससे चाहे तो सैकड़ों घाट पर एक साथ इस तरह के बैरिकेडिंग हो सकता है जो लगातार बहुत दिनों तक चलेगा, और ये मेंटेनेंस फ्री है, इसमें मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम 1 साल यह चलते रहे। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत ऋषिपुर थाना क्षेत्र के गंगा रामपुर गांव से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार की ओर से थाना और पुलिस के वरीय अधिकारियों से बेटी के बरामदगी की गुहार लगाई गई है। दरअसल बीते 20 जून को रामपुर गांव के कारू पंडित की 14 वर्षीय पुत्री जब ऋषिपुर बारहाट स्थित स्कूल के लिए निकलने के बाद जब वापस घर नहीं लौटी तो परिवार वाले चिंतित हो गए और उसकी खोजबीन शुरू की। वहीं
मामले को लेकर बताया जा रहा है कि लड़की का पिता कारू पंडित बाहर रहकर काम करता है, जबकि नाबालिग बेटी के लापता होने की घटना से परेशान उसकी माँ और दादी ने शिपुर थाना जाकर थानाध्यक्ष अरविंद सहनी को इसकी जानकारी दी, लेकिन वहाँ किसी ने भी इस शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई और उल्टे उन दोनों को डांट कर भगा दिया। फिर बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलने से आहत माँ और दादी ने जब लाचार होकर थाना में ही आत्महत्या करने की बात पंचायत के मुखिया लालमोनी साहब से कही तो आनंद फानंद में इसकी सूचना एसएसपी बाबूराम को दी गई, जिनके आदेश पर बच्ची के लापता होने के 16 दिन बाद थाना में एफआईआर दर्ज किया गया, जिससे स्थानीय पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं एक ओर जहां पीड़ित परिवार अविलंब अपनी बच्ची के बरामदगी की गुहार पुलिस प्रशासन से लगा रही है, जबकि दूसरी ओर स्थानीय पुलिस की लापरवाही से आक्रोशित लोगों ने शिपुर थाने की पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि थाना क्षेत्र के इर्द गिर्द जिसमें फरोशी का धंधा, ओवरलोडिंग और अवैध बालू का खेल पुलिस की मिलीभगत से जोर शोर से चलता है, लेकिन वरीय पदाधिकारियों द्वारा इस पर अंकुश लगाने की बजाय केवल खानापूर्ति की जाती है। पढ़ने गया और वहीं से 9:30 बजे निकला घर से। घर से निकलने के बाद 4:30 बज गया। 4:30 बजे 5 बजे तक हम लोग असरात देखते यहीं घर नहीं आया। नहीं आने के बाद हम खोजबीन करने लगा, खोजबीन करते हुए नहीं मिला। प्रशासन से मेरी बच्ची मांग रही, अपराधी को उसको दंड सजा मिलना चाहिए। उसको कल करेंगे परसों करेंगे, इसी तरह बिताते रह गए और हमको 16 दिन बिता गया, अभी तक कुछ नहीं। इसके पीछे कोई दबंग है या फिर कहीं कोई दिक्कत? जो दबंग है, हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने के चक्कर में रहते हैं। दबंग लोग वो लोग हैं। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी अप्रोच पथ में 6 दिन पूर्व कासिमपुर के रैयत किसानों द्वारा कार्य बंद कराने पर हुए पथराव एवं लाठीचार्ज मामले को लेकर सोमवार को एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और शंभु शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश कुमार और थानाध्यक्ष लाल बहादुर दलवल के साथ अगवानी अप्रोच पथ पहुंचे, जहां अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में अगवानी अप्रोच पथ का निर्माण कराया गया। वहीं इसको लेकर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि अगवानी अप्रोच पथ निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है और इस कार्य की निगरानी के लिए सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश कुमार को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जिनके साथ पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इधर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ अगवानी अप्रोच पथ का कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, जबकि इस कार्य में किसी भी तरह से व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस तत्काल कानूनी कार्यवाही भी करेगी। मौके पर जिला और प्रखंड क्षेत्र के कई पदाधिकारी के अलावा काफी संख्या में पुलिस कर्मी और कर्मचारी मौजूद थे। हाँ, मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हैं सुल्तानगंज, वो वहाँ पे है। साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सहकुंड भी वहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं, और सुबह से हम लोग भी वहीं पे थे। वीडियो साहब, सीओ साहब, एसडीपीओ साहब, हम लोग वहीं पे थे। अभी वहाँ पे शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है, इसके बाद हम लोग अप्रोच जो पथ था आज वहाँ पे हम लोग गए थे और अप्रोच पथ का काम जो है सुचारू रूप से जारी है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर फैंस ऑफ लाइटिंग डांस इंस्टीट्यूट के द्वारा बोलबम धुन पर आधारित गानों की स्थानीय कलाकारों के द्वारा शूटिंग की गई। इस दौरान फैंस ऑफ डांस इंस्टीट्यूट के कोरियोग्राफर अनुज कुमार ने बताया कि मुंबई एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा बोलबम और
भगवान शिव पर आधारित कानू की क्षेत्रीय भाषा में शूटिंग की गई। वहीं कलाकारों ने कैवीनाथ मंदिर, गंगा घाट और जहाज घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ पर घंटों शूटिंग की। मौके पर गायक आशिक राजा उर्फ सिंटू, अमित कुमार और माही समेत कई कलाकार और श्रद्धालु मौजूद थे। ऐसे हुए हैं जिनमें मेरा तमाम साथी लोग हैं जो आर्टिस्ट वगैरह हैं और हमारे सारे स्टूडेंट्स भी हैं। और श्रावणी मेला को लेके धूमधाम से तैयारी। और ये सावन का गीत है जिससे अगर आप लोग अगर इस गाने को भी अगर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड सॉन्ग है और जरूर इनको देखा कीजिएगा। कौन सा गाना का शूटिंग हुआ है आज? ये हमारा आशिक राजा कुमार सिंटू है जो सिंगर है। हमारा आशिक राजा कुमार सिंटू ये सिंगर है और इनके द्वारा गायकी है और सब लोकल क्षेत्र से आते हैं। कौन सा सॉन्ग है? और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के उद्घाटन स्थल का निरीक्षण करने सुल्तानगंज पहुंचे एसडीएम, अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, कहा उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हुई अपूर्णीय क्षति। भागलपुर समीक्षा भवन में लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से कार्यशाला का हुआ आयोजन, डीएम ने नलकूपों के संचालन को लेकर की चर्चा। और स्नान घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए बरारी पूल घाट पर किया गया फ्लोटिंग बैरिकेडिंग का परीक्षण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।